और भोपाल से खबर, धार के कारम डैम को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बांध का अवलोकन करेंगे। कमलनाथ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां धार के कारम डैम को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। और बता दें कि कमलनाथ बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, उन तमाम ग्रामीणों से मुलाकात की जाएगी। हालांकि ये भी जानकारी दे दें कि जब डैम में लीकेज की खबर सामने आई थी, उस वक्त भी कांग्रेस के कुछ दिग्गज पहुंचे थे मौके पर और मुआयना करने पहुंचे थे कि आखिर स्थिति वहां पर कैसी है। लेकिन एक बार फिर से जब हालात सामान्य हो चुके हैं तो पहुंचेंगे कमलनाथ, अवलोकन करेंगे और इसके साथ ही प्रभावितों से भी बात की जाएगी। विस्तार से जानकारी के लिए सीधे हम आकर्ष शर्मा का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, क्या कुछ जानकारी, हालांकि राहत जरूर मिली है, प्रभावितों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, कमलनाथ का सियासत इस पूरे मसले पर तेज हो गई है। जी जय, आपने सही कहा कि इसमें सियासत तेज हो गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राहत की बात यह है कि कारम डैम जो लीकेज था वो आखिरकार ठीक हो गया है, प्रदेश सरकार को सफलता मिली है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धार जिले में जो कारम डैम में लीकेज हुआ था, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और यही कारण है कि कई दिग्गज नेता पहले भी वहाँ पर गए, निरीक्षण किया। और आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, धार जिले में पहुँचेंगे, पहले सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे, प्रभावित इलाकों को देखेंगे और उसके बाद जो धमतरी जिले का दूधिया गांव है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया, जब पूर्व सीएम कमलनाथ वहां पर पहुंचेंगे, खुद निरीक्षण करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उसके साथ ही उनके जो समिति उन्होंने बनाई थी, जो वहां पर पहुंची थी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तो साफ तौर पर आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें ये रिपोर्ट सामने रख सकती है और जो रिपोर्ट में स्पष्ट होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किन तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसको सामने रखने का काम पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे। और आज का दौरा कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धार जिले के दौरे पर रहेंगे और जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा, प्रदेश सरकार ने भी इसमें पूरी जांच समिति गठित कर दी है, आखिर किन कारणों से ये जो लीकेज हुआ उसमें क्या कौन दोषी है और किन लोगों पर कार्रवाई आने वाले समय में होती है। जया, बिल्कुल, हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री राजवर्धन सिंह का ये कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। हालांकि राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके तहत सियासत इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। शुक्रिया आपका आकर जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कमलनाथ पहुंचेंगे, धार के कारम डैम का हवाई सर्वे किया जाएगा, बाढ़ का पानी गांव में घुसा है, प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, क्या नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी ली जाएगी।